वेलकम टू माई चैनल मनुराई। टुडे आई विल टेल यू अबाउट कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल्स। सपोज कीजिए हमने एक सिग्नल लिया एक्स टी। अगर ये इसकी जो वैल्यू है अगर ज़ीरो है फॉर टी लेस देन ज़ीरो तो सिग्नल क्या होगा, सिग्नल इज कॉजल, ठीक है। अदरवाइज सिग्नल इज नॉन कॉजल। ठीक है, सिग्नल इज नॉन कॉजल। इफ ओके, अगर सिग्नल जो है वो ये है, दिस इज अ सिग्नल, ओके, तो ये सिग्नल जो है वो कॉजल होगा। क्यों कॉजल होगा? क्योंकि फॉर टी लेस देन जीरो के लिए ये सिग्नल ज़ीरो है, दिस सिग्नल इज कॉजल। मीन्स अगर सिग्नल ये है अगर सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, मीन्स इट इज नॉट ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो के लिए, मीन्स इसके लिए जो है टी लेस देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो नहीं है, तो ये सिग्नल जो होगा वो नॉन कॉजल होगा। ओके, अगर सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है कि नेगेटिव टाइम के लिए प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर टी लेस देन ज़ीरो के लिए प्रेजेंट है और फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो है, तो ये सिग्नल नॉन कॉजल होगा, ठीक है, क्योंकि टी लेस देन ज़ीरो के लिए ये ज़ीरो नहीं है। मगर ये जो सिग्नल है फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो है, एक्स टी इज़ ज़ीरो, मीन्स ये एंटी कॉजल भी होगा। इट इज़ एंटी कॉजल टू, इट इज़ एंटी कॉजल, मीन्स ये सिग्नल जो है नॉन कॉजल तो होगा मगर एंटी कॉजल भी होगा। ठीक है, एंटी कॉजल क्यों होगा? क्योंकि फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये सिग्नल ज़ीरो है, ठीक है, तो इट मीन्स ये हो गया कि नॉन कॉजल जो सिग्नल होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइम के लिए प्रेजेंट होते हैं। अगर नेगेटिव टाइम के लिए सिग्नल एक्स टी जो है प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन कॉजल होगा मगर ये एंटी कॉजल भी होगा, क्योंकि ये जो सिग्नल है एक्स टी जो है वो टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उसके थ्रू अंडरस्टूड करते हैं कि कौन से सिग्नल्स नॉन कॉजल हैं कौन से कॉजल हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने लिया एक्स टी इज इक्वल टू एस टू पावर टू टी यू टी माइनस वन। ठीक है, तो ये सिग्नल पहले इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करके देखते हैं कि ये सिग्नल कैसे फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो ut - 1 जो सिग्नल है मीन्स एट t इक्वल्स टू 1 पर ये सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन 1 के लिए सिग्नल फॉर्म जो है 1 होगा और लेस देन के लिए 0 होगा। ठीक है, दिस सिग्नल इज ut - 1। ओके, और ये सिग्नल जो है e^2t वो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है? वो जो है इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, मीन्स लेस देन ज़ीरो के लिए भी प्रेजेंट है, टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी ये सिग्नल जो है प्रेजेंट है। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या सिग्नल फॉर्म्ड होगा? मीन्स एक्स टी विल बी लाइक दिस, फॉर टी इक्वल्स टू 1 के लिए प्रेजेंट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये दोनों सिग्नल्स। ठीक है, तो मीन सिग्नल जो है कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होगा, मीन्स ये सिग्नल जो है फॉर टी लेस देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो है और टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये प्रेजेंट है सिग्नल, तो इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल हो गया? कॉजल। सो दिस सिग्नल इज कॉजल। ओके, कॉजल सिग्नल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं,
सपोज कीजिए, अब सिग्नल है ई रेज टू पावर -3t यू -t +2। ओके, अब यू टी माइनस प्लस टू जो सिग्नल होगा वो कैसे फॉर्म्ड होगा? मीन्स सिग्नल जो है वो प्लस टू के लिए, प्लस टू से फॉर्म होना स्टार्ट होगा t इक्वल्स टू प्लस टू से, और जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ठीक है, स्ट्रेट होगा ये। ओके, और ये मल्टीप्लाई किससे? ई रेस्टू थ्री टी से। तो ई रेस्टू -3t का सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा, उसकी वेव फॉर्म? उसकी जो वेव फॉर्म होगी कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होगी। ठीक है, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिग्नल सिग्नल एक्स टी वो किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल टू, सपोज कीजिए, एक्स टी। सिग्नल एक्स टी कैसे फॉर्म्ड होगा, लेट सी। ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो मेन सिग्नल जो है एट टी इक्वल्स टू टू से फॉर्म्ड होना स्टार्ट होगा, और जो है नेगेटिव टी के लिए इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ठीक है, मीन सिग्नल जो है वो नेगेटिव टाइम के लिए प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सिग्नल क्या हो गया? नॉन कॉजल। ठीक, दिस सिग्नल इज नॉन कॉजल। क्यों है नॉन कॉजल ये सिग्नल? वो इसलिए है क्योंकि और टी लेस देन जीरो के लिए जीरो नहीं है। ओके, चाहे पॉजिटिव टाइम के लिए आ रहा है मगर टी लेस देन जीरो के लिए जीरो नहीं है। ठीक, ये एंटी कॉजल क्यों नहीं है? ये एंटी कॉजल इसलिए नहीं है ये सिग्नल क्योंकि फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ठीक, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक्स टी। थर्ड एग्जाम्पल, एक्स टी इज इक्वल टू थ्री सिंक टू टी। ओके, मीन्स ये सिग्नल जो है एक सिंक फंक्शन है, तो सिंक फंक्शन कैसे फॉर्म्ड होता है? सिग्नल ये सिग्नल जो है कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ओके, मीन्स ये सिग्नल जो है बहुत टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी जीरो नहीं है, फॉर टी लेस देन जीरो के लिए भी जीरो नहीं है। तो इसमें सिग्नल कौन सा हो गया? सिग्नल नॉन कॉजल, क्योंकि नॉन कॉजल इसलिए हुआ क्योंकि टी लेस देन जीरो के लिए ये सिग्नल जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, अगर यही सिग्नल थ्री सिंक टू टी यू टी हो जाता तो ये सिग्नल जो होता वो कॉजल हो जाता। मीन्स सिग्नल अब कैसे फॉर्म्ड होगा? कुछ इस तरह से। ओके, तो इसलिए कॉजल हो जाता सिग्नल क्योंकि टी लेस देन जीरो के लिए जीरो होता। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक्स टी इज इक्वल टू यू टी प्लस टू माइनस यू टी माइनस टू। ओके, अब ये सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा? एज वी नो दैट मीन्स माइनस टू के बिटवीन एंड प्लस टू के बिटवीन फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो ये सिग्नल जो हो गया क्योंकि टी लेस देन जीरो के लिए जीरो नहीं है, तो मीन्स दिस सिग्नल इज नॉन कॉजल। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इफ सिग्नल इज टू यू माइनस टी। ठीक है, मीन्स सिग्नल जो एक यूनिट स्टेप सिग्नल का टाइम रिवर्स सिग्नल है। ठीक, मीन सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है।
मीन्स 40 लेस देन जीरो के लिए सिग्नल प्रेजेंट है, 40 ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो है, 40 लेस देन जीरो के लिए प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सिग्नल जो है वो नॉन कॉजल तो हो गई होगा, ठीक। मगर ये एंटी कॉजल भी होगा साथ में। एंटी कॉजल क्यों होगा? क्योंकि 40 ग्रेटर देन जीरो के लिए ये जीरो है, ठीक है। तो दिस सिग्नल इज एंटी कॉजल टू। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क क्वेश्चन। यू मस्ट हैव टू फाइंड इट वेदर इट इज कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल, ठीक है। एक्स टी इज इक्वल टू कॉस 2t, यू हैव टू फाइंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स टी इज इक्वल टू साइन 2t ut। ओके, डू राइट इन माई कमेंट सेक्शन आंसर्स। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।